आज हम बनाएंगे समर स्पेशल गुलकंद की रेसिपी। इसे बनाना तो आसान ही है, इसके बहुत सारे बेनिफिशियल हैं। तो चलिए हम बिना देर करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर फ्रेश रोज़ पेटल ले रही हूँ, जिसको मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और वॉश करने के बाद यहाँ पर 400 ग्राम में रोज़ पेटल ले रही हूँ और इसमें 300 ग्राम में चीनी ले रही हूँ। रोज़ पेटल पहले डालेंगे, फिर चीनी, फिर रोज़ पेटल, फिर बाकी जो चीनी बचेगा उसको हम डाल करके इसे ढक करके हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा जो चीनी है वो डिज़ोल्व ना हो जाए, और डिज़ोल्व होने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। जब ये इस तरह से ढक करके इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे, और जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, और जो हमारी चीनी है जब वो अच्छी तरह से घुल जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पर हम इलायची पाउडर और सौंफ की पाउडर आप डाल सकती हैं या स्किप भी कर सकती हैं। इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब ये हल्की गाढ़ी ना हो जाए। इसे हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस इसे गाढ़ी करना है। और इसके बाद इसे में इसको हम क्रिस्टल ना जमे, इसके लिए यहाँ पे हम हनी डालेंगे 2 चम्मच। हनी की जगह पे आप लेमन जूस भी डाल सकती हैं या फिर साइट्रिक एसिड भी डाल सकती हैं। और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे, और चला के जब ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी तब इसे हम ढक्कन ढक करके इसे हम कम से कम 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट इसे हम छोड़ देंगे। तो ओवरनाइट छोड़ने के बाद इसमें थोड़ा सा लिक्विड डी टाइप से ये रहेगा, हल्का सा इसमें लिक्विड रहेगा, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके फिर इसे हम एक जार में भर के रख लेंगे। अब जैसा कि आप इसका लुक देख रही ना, ये कितना ज़्यादा मतलब अच्छा दिख रहा है। और जैसे कि अगर धूप में आप दिखाना चाहती है, मतलब कि पारंपरिक तरीके से जो ये बनती है, उसमें क्या होता है ना कि उसे बस बॉटल में भर के चीनी डाल करके, पेटल्स डाल करके इसमें 3-4 महीने के लिए धूप में आप दिखाते हैं तो ये बन जाती है, और बस इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज होता है। तो बस इसी तरह से हमारा जो गुलकंद है बन करके तैयार होती है। अब इसे एक जार में भर करके 2 से 3 दिन के लिए धूप में दिखा करके अब इसे 6 महीना 7 महीना या पूरे साल भर इसे आप रूम टेम्परेचर पर रख सकती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।